100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, 300 करोड़ क्लब, हम सब इन करोड़ क्लब से वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी ऐसी फिल्म्स आ रही हैं खान्स की जो कि 400 करोड़ में अपना नाम रजिस्टर कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आमिर सर की आ रही है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, शाहरुख सर की आ रही है जीरो, और वहीं सलमान खान जी की आ रही है दोस्तों भारत। मैं हूं राहुल भोज, पता करता हूं ऑडियंस से कि उन्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से किस खान की फिल्म सबसे पहले 400 करोड़ क्लब में अपना नाम दर्ज करेगी। जानना चाहते हैं आप, तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी में एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। नो डाउट इट इज आमिर खान, एंड ही इज अ लाइक परफेक्शनिस्ट बिकॉज ऑफ अ रीजन, एंड ही डिड एवरीथिंग विद अ परफेक्शन, सो आई थिंक ही इज आमिर खान। आमिर खान, उसकी मूवी एक साल में एक ही बार आती है, वो भी बहुत मीनिंगफुल होती है और हिट जाती है। आमिर खान की बिकॉज वो उनका जो मोस्टली तो जो फिल्म लेके आते हैं वो सोशल मतलब यू नो रियलिटी होता है उनका, थोड़ा सा कुछ अलग होता है कंपेयर टू यू नो सलमान खान और शाहरुख खान। शाहरुख खान का तो मोस्टली यू नो ऑल रोमांटिक मूवीज, एंड आई फील आमिर खान का तो मतलब अच्छा रहता है। यूसी दबा ये आया था दंगल जो आया था वो भी वो रियलिटी था और मतलब जो हो चुका था ऐसा यू नो इन रियल लाइफ में, और वो इंस्पायरेशनल होती है बहुत सारे मूवीज़, तो इसलिए आमिर खान का। मुझे लगता है कि लाइक शाहरुख खान हैज़ टू बी देयर ऑन टॉप बिकॉज हिज फैन फॉलोइंग, एंड इवन पर्सनली आई लाइक शाहरुख खान। सो मेरे व्यू से तो ये लगता है कि शाहरुख खान हैज़ टू बी देयर देन अदर्स। मेरी तो ये राय है इस बात पर कि आमिर खान जा सकते हैं, क्योंकि जो उनका एक्टिंग है प्रोफेशन लाइफ में, जो एक्टिंग करते हैं, एक एक्टिंग में ऐसा जोश है उनके जीवन में कि जो भी है सत्य घटना पर, वो रियलिटी पे ही वो जीवन जीते आ रहे हैं, और सत्य घटना पर जो भी मूवीज़ है आजकल वो बना रहे हैं वो सत्य घटना। जैसे कि उनकी गई बार की मूवी जो है दंगल, बहुत ही अच्छा रिप्लाई था लोगों का उनके बारे में, और एक्टिंग के ऊपर उन्होंने जो किया है काम, और जो एक पिता का रोल उन्होंने जो किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा किया, उसके कारण जो है मुझे तो ऐसा मेरा खास मानना है कि आमिर खान जा सकते हैं आगे। सलमान, पॉपुलैरिटी उसकी ज़्यादा है और फैन फॉलोइंग उसकी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सब उसे चाहते हैं, तो बट ऑब्वियसली वही जाएगा ना आगे। सलमान खान के लिए वो बहुत फेमस एक्टर है, मतलब सब लोग उनको भाईजान करके बुलाते हैं, वो फेमस मतलब कुछ ज़्यादा ही फेमस है, तो उनकी जा सकती है। सलमान खान की मूवी हिट जाएगी, उसका बजरंगी भाईजान था वो मतलब अच्छा था इससे। शाहरुख खान, मुझे लगता है कि वो पहले जो एक्टिंग कर रहा था वैसी उसकी एक्टिंग है, और वो और भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उसकी जीरो फिल्म बहुत अच्छा कमाएगी 400 करोड़। एक्चुअली मैं फिल्मी लवर नहीं हूँ, बट आमिर खान का मूवी देख लेता हूँ, तो बिकॉज उसका कुछ अलग ही होता है, लाइक यू नो ऑलवेज इंस्पायर पीपल टू यू नो डू समथिंग, सो आमिर खान का वो कर सकता है कंपेयर टू यू नो सलमान और उसका शाहरुख खान का। आमिर खान जा, उनकी फिल्म आ रही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, क्या आपको लगता है वो जाएगी? वो जाने का योग है, क्योंकि जैसे आपने कहा और मैंने भी जो देखा उनके बारे में, समुद्री लुटेरे के हिसाब से वो जो है किरदार में है, तो जाने की इच्छा तो होनी चाहिए, और वो कमा भी सकते हैं उतना, क्योंकि उनकी जो नेचुरल एक्टिंग दिखती है उसके हिसाब से और लोगों की जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छी है, तो जानी ज़रूरी है उनके बारे में। अकॉर्डिंग टू मी लाइक शाहरुख खान की मूवी ही जा सकती है, बिकॉज एज आई टोल्ड लाइक हिज फैन फॉलोइंग एंड हिज एक्टिंग स्किल्स इज वेरी गुड, एंड येस पर्सनली आई लाइक हिम द वे ही यू नो एक्ट एंड द वे ही लुक्स इवन ऑन द कैमरा ऑल्सो, सो इट्स बेसिकली माई वोट फॉर शाहरुख। अभी आमिर खान की तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, तो वो भी जा सकती है। आमिर खान फेवरेट हीरो है मेरे हिसाब से, तो आमिर जी को ही मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके मैं एक्टिंग से उनके प्रेरित हूँ, एक्टिंग जो करते हैं वो लोग। शाहरुख तो है ही, उन्हें किंग कहा जाता है, लेकिन जो एक्टिंग जो दिल वाला यानी कि एक रंगीले स्वभाव के हैं आमिर जी, रंगीले स्वभाव, और उनके जो एक्टिंग है वो दिल से निकलती है जो भी काम के लिए, और वो किसी का भी मान सम्मान करते, इसके कारण मैं आमिर जी को ही देना चाहूँगा। पर्सनली आई वॉन्ट टू से लाइक आई वॉन्ट टू बी लाइक शाहरुख, लाइक हाउ यू नो ही स्ट्रगल्ड फ्रॉम द फर्स्ट हिज लाइफ, सो आई वॉन्ट टू से लाइक शाहरुख येस कीप इट अप एंड रियली आई एडमायर यू अ लॉट। आमिर खान आप बहुत अच्छे हैं, मतलब आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है,
बस आप फिल्म बनाते रहिए। आई लव यू सलमान, बस और कुछ। आमिर खान सर बेस्ट ऑफ लक फॉर थग्स ऑफ हिंदुस्तान, शाहरुख खान बेस्ट ऑफ लक फॉर जीरो, सलमान खान बेस्ट ऑफ लक फॉर अ भारत फिल्म। एक्चुअली उनके लिए मैं एक रिप्लाई करूँगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहे, और लोगों को एंटरटेनमेंट करना उनको ज़रूरी है, लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहे और लोगों के लिए वो अच्छी फिल्में मूवीज़ निकालते रहे और लोगों को खुश करते रहे और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते रहे बस। स्टारडम के मामले में ये स्टिल आई वांट टू से शाहरुख, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है दोस्तों, और जनता को जो कहना था उन्होंने कह दिया मेरे सामने। आपको क्या है कहना? हाँ, आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो या फिर भारत, कमेंट सेक्शन आपका है। जरूर बताइएगा कि इन तीनों फिल्म्स में से, खान्स की फिल्म्स में से सबसे पहले 400 करोड़ क्लब में कौन जाएगी, और क्यों बताइएगा? क्योंकि चैनल है बॉलीवुड स्पाय, जो कि है आप लोगों का चैनल। मैं हूं राहुल भोज विद कैमरामैन विशाल।